हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBCB मतलब कि मेटल बीम क्रैश बैरियर की। तो मेटल बीम क्रैश बैरियर जानने के लिए सबसे पहले देखेंगे ये आया कहाँ से, मतलब किसका बेटा है, इसके पेरेंट्स कौन है। तो एक्चुअली ये सेफ्टी बैरियर से आया है। सेफ्टी बैरियर्स मतलब जो हमारे रोड साइड पर सेफ्टी के लिए बैरियर्स लगाए जाते हैं उसका ही ये एक पार्ट है। अब उसके कितने पार्ट होते हैं ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी वीडियो। ये वीडियो खासकर तो MBCB के लिए बनाया गया है, लेकिन पहले हम लोग सेफ्टी बैरियर को थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट समझ लेते हैं। सेफ्टी बैरियर क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। वैसे तो सेफ्टी बैरियर के बारे में आपको IRC 119 में ही मिल सकता है, जिसका न्यू एडिशन 2015 में आया था। तो आप IRC 119 को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उससे भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, उस सेफ्टी बैरियर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सेफ्टी बैरियर्स मेनली हमारे जैसे कोई व्हीकल जा रहा है वो अपना कंट्रोल लूज कर देता है, तो उसमें मेजर एक्सीडेंट ना हो उसके लिए सेफ्टी बैरियर्स लगाया जाता है। या अगल बगल कोई सोसाइटी हो या रेसिडेंशियल एरिया हो या कमर्शियल एरिया हो, उन सब में जाके हमारा व्हीकल ना टकरा जाए, तो उसके लिए सेफ्टी बैरियर लगा दिया जाता है। या तो ऐसा समझ लें कि हाई एम्बैकमेंट हो, मतलब अगल बगल बहुत ज़्यादा गहराई हो और रोड पे व्हीकल चल रहा है और उसने अपना कंट्रोल जो है लूज़ कर दिया, अपना कंट्रोल खो दिया, तो उसके लिए सेफ्टी बैरियर्स लगाया जाता है कि वो उस पार ना गिरे जाके, वो गड्ढे में ना गिरे, उस गहराई में ना जाए, इसके लिए सेफ्टी बैरियर्स लगाए जाते हैं। ये बैरियर दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। उसके एक रोड साइड होता है, एक मीडियन होता है, ठीक है। जिस रोड साइड वाले को रोड साइड बैरियर बोलते हैं, मीडियन वाले को मीडियन साइड बैरियर बोलते हैं। ये अपना हो गया रोड साइड वाला, रोड साइड क्रैश बैरियर और ये मीडियन क्रैश बैरियर। अब उनके कंपोनेंट यानी मटेरियल के अकॉर्डिंग वो कितने टाइप्स के होते हैं क्रैश बैरियर। पहला फ्लेक्सिबल क्रैश बैरियर, दूसरा सेमी क्रैश बैरियर, तीसरा रिजिड क्रैश बैरियर, ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे वो रिजिड सेमी रिजिड के क्रैश बैरियर की बात करेंगे। वो सेमी रिजिड है इसकी बात करेंगे हम लोग, सेमी रिजिड क्रैश बैरियर की बात करेंगे। या इसको सेमी फ्लेक्सिबल भी बोल रहे हैं और सेमी रिजिड भी बोल रहे हैं। रीज़न ये है, ये दोनों के बीच का पार्ट होता है, ना तो ये फुली रिजिड होता है ना ही फुली फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसको सेमी फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं और सेमी रिजिड भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जो MBCB की बात करने जा रहे हैं, MBCB के बारे में देखने जा रहे हैं, तो वो सेमी रिजिड है या सेमी फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं MBCB में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, मतलब मेटल बीम क्रैश बैरियर में उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। आप ये फिगर देख रहे हैं, ये है मेटल बीम क्रैश बैरियर का फिगर, पार्ट वाइज फिगर है, ठीक है। इसमें आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वर्टिकल मेंबर, ये आपका ये जो आप देख रहे हैं ये वर्टिकल मेंबर, ये पोस्ट है, ठीक है। ये वर्टिकल मेंबर पोस्ट है और ये गार्ड रेल या बीम है। ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये गार्ड रेल या बीम है, और इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए बीच में एक स्पेसर लगाते हैं, इसको स्पेसर बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्पेसर को बोल्टिंग करते हैं गार्ड रेल या बीम में और पोस्ट में। अब बोल्ट भी दो तरह के इसमें यूज हुए हैं, एक हेक्सा बोल्ट है, ठीक है, एक ये आपका हेक्सा बोल्ट है और एक ये मशरूम हेड बोल्ट है। देखा होगा आपने मशरूम हेड रिपीट ज्वाइंट की तरह होता है वो, ये बाकी नट बट से ये सारा एक MBCB का पार्ट है, जिसको ज्वाइंट करके MBCB मतलब पूरा इंस्टॉल करते हैं। अब MBCB कई तरह से इरेक्शन होता है, जो उस इरेक्शन के ही बेसिस पे इसके टाइप्स होते हैं MBCB के, वो मैं आपको अब आगे टाइप्स बताता हूँ कि क्या क्या टाइप्स होते हैं MBCB के। अब इरेक्शन के बेसिस पे हम लोग MBCB के टाइप्स देखते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इरेक्शन। ये आप देख रहे हैं इरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारी बीम के टाइप्स हैं, MBCB के टाइप्स हैं। पहला देखिए, सिंगल बीम है, सिंगल साइड है, यानी कि इसका फेस एक ही तरफ है और सिंगल बीम लगी हुई है। सिंगल साइड सिंगल बीम क्रैश बैरियर, ठीक है, ये सिंगल साइड सिंगल बीम क्रैश बैरियर। ये डबल बीम है, सिंगल साइड है, ठीक है, दो बीम दिख रही है और एक स्पेस पे एक ही साइड के बीम से। और ये हो गई सिंगल बीम डबल साइड, ठीक है, दोनों तरफ है, ये डबल साइड है और सिंगल बीम जा रही है, ठीक है, जिसका गार्ड रेल है वो सिंगल है। अब ये डबल साइड डबल बीम है, दोनों तरफ है और दो दो बीम है, तो ये हो गई डबल साइड डबल बीम। इसके अलावा
ट्रिपल बीम डबल साइड होती है, ट्रिपल बीम सिंगल साइड होती है, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यूज़ आपका यही चारों ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारी बीम की लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, और कहाँ कहाँ ये इंस्टॉल होना ज़रूरी है, कितने कर्वेचर मिनिमम होना चाहिए कि MBCP लगेगा, और मैक्सिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए व्हीकल की उस पर्टिकुलर पोर्शन पे कि MBCP हमारा इंस्टॉल करना ज़रूरी है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।